नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे वर्तनी शुद्ध अशुद्ध के बारे में। वाक्य संशोधन के वीडियो के बारे में बात कर चुके हैं, और उससे पहले एक वीडियो के बारे में बात कर चुके हैं विलोम शब्द के बारे में। ठीक है, तो आरोह यारोह की परीक्षा में 6 चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन हिंदी के। तो तीसरा चैप्टर है जिसमें कि अभी दूसरा ही चैप्टर चल रहा है। एक तो वाक्य शुद्ध शुद्ध का हुआ है, और ये वर्तनी शुद्ध शुद्ध का। तो इसमें जो जितने प्रीवियस इसमें पूछे क्वेश्चन सारे मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो आपसे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो आए हुए क्वेश्चन वो देखेंगे। वर्ण संबंधी शुद्धियाँ यहाँ पर दी गई हैं। पहले तो हम कुछ क्वेश्चन को समझेंगे उसके बारे में। तो इधर अशुद्ध लिखा है, इधर हमारे शुद्ध वर्ड लिखे हुए हैं। देखिए, आच्छादन जो है इसका शुद्ध वर्ड हमारा आच्छादन होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है, ठीक, ता बनता है। ठीक है, अगला है अश्रृंखल। तो उच्च श्रृंखल ये होता है इसका राइट आंसर। अशुद्ध इस तरीके से नहीं, अशुद्ध जो है इस तरीके से लिखा जाता है। अनुकूल नहीं होता, अनुकूल होता है। ठीक है, अनिष्ट नहीं होता, अनिष्ट होता है, टा बनता है हमारा। अद्वितीय, तापे बड़ी की मात्रा चढ़ेगी यहाँ पर। अहिल्या जो है कई बार पूछा गया है, अहिल्या। ठीक है, तो ये अहिल्या इस टाइप से लिखा जाएगा हमारा शुद्ध। अनुवादित अनुद्वित होता है, ठीक, अनुद्वित होता है। अध्यात्मक नहीं, ठीक है, अध्यात्मक दिया गया तो यहाँ पर अध्यात्मक नहीं, आध्यात्मक होता है, आ के ऊपर बड़ा का डंडा चढ़ेगा। आराधना नहीं होता, आराधना होता है। ठीक है, अश्मशान नहीं होता, ठीक है, तो इसको शमशान बोलते हैं। अगला है अंतकथा, ठीक है, तो इसको अंतकथा इस तरीके से लिखा जाएगा, अंक बिंदी यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, अकृत्रिम का, तो अकृत्रिम यानी ताज हमारा इस तरह ये वाला बनेगा। ठीक है, अजान बाहु, तो अजानु बाहु होता है। ठीक है, नाक के ऊपर हमारा छोटी की मात्रा चढ़ेगी। अगला है अपनहुति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपन नुति। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। अंतर्ध्यान, ठीक है, तो अंतर्ध्यान होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है किस तरीके की हम लोग गलती करते हैं एग्जाम में, तो वो उस तरीके से आपको क्वेश्चन एक बारीकी से देखना है किस टाइप का सही आंसर। ठीक है, तो अमावस्या ये नहीं होता है, अमावस्या होता है। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है, आधा ना और अदत्ता दोनों बनते ही हैं। अगला है अर्थात, अर्थात हम लोग ऐसे लिखते हैं लेकिन नीचे हलंत लगता है उसमें। आकांक्षा नहीं होता, आकांक्षा होता है। अलहाद नहीं होता, ठीक है, आधा हा भी बनेगा, अल्लाह पूरा बनेगा, अलहाद। आह्वान नहीं होता, आह्वान होता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर वाह नहीं बनता है, इस टाइप से राइट आंसर होगा। आजीविका नहीं होता है, ठीक है, आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है, वाक्य वह छोटी की मात्रा चढ़ेगी। अगला है आशा, तो ये आशा इस टाइप से लिखा था, सा हमारा ये वाला बनेगा। अनधिकार नहीं होता, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। ठीक है, नागे पर कोई डंडा नहीं चढ़ता है। अनुसरण नहीं होता, अनुसरण इस टाइप से लिखा जाएगा, सा हमारा। कुछ तो गलतियाँ हमको जो है वो देखते ही पता चल जाती हैं, लेकिन कुछ जो गलतियाँ होती हैं उसके बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते। अर्पण नहीं होता, अर्पण होता है। अभिनय अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ जो इस टाइप से लिखा जाएगा। आहार नहीं होता, आहार होता है। अतिथे नहीं होता, अतिथे होता है। ठीक है, ताके पर छोटी की मात्रा चढ़ेगी। अपरान्न, तो अपरान्न इस टाइप से लिखा जाएगा। अभिषेक, तो अभिषेक सा हमारा ये वाला बनेगा इसमें। अनुग्रहित, ठीक है, तो अनुग्रहित गा पे हमारा नीचे वाला ये वाला चढ़ेगा। ठीक है, ये वाला नहीं चढ़ेगा। चंचल जो है इस टाइप से लिखा जाएगा, राइट। क्षत्रिय ये लिखा जाता है। क्षमा ये हमारा राइट आंसर है। क्षुधा, तो क्षुधा इस टाइप से लिखेंगे हम। क्षेम जो है ये वाला छा बनेगा हमारा। जागृत में देखिए, जागृत में ये वाला गापे वाला चढ़ेगा हमारा। ज्योत्सना कई बार पूछा गया, ज्योत्सना आप देख लें, जो ज्योत्सना में आधा ता भी बनता है, आधा सा भी बनता है। ठीक है, और आधा जा भी बनता है, तो दोनों ही आप कर, ये दोनों याद रखें आपको, आधा ता और सा।
जमाता नहीं हो तो जामाता होता है, ठीक है। जाके ऊपर भी बड़ा का डंडा चढ़ेगा। यहाँ जागृति आप देख लीजिए किस टाइप से लिखा है, जागृति हमारा इस टाइप से लिखा जाएगा। जत्याभिमान तो जत्यभिमान होता है। अगला यहाँ पे जगत जननी तो जग जननी इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग इसको ऐसे ही मार देंगे लेकिन ये जग जननी इस टाइप से लिखा जाएगा। जगधात्री तो जगत धात्री ये हमारा राइट आंसर होगा। ज्येष्ठ नहीं होता, ज्येष्ठ होता, ठीक है। ज्येष्ठ लिखा जाता है, आधा ज बनता है फिर या फिर सा आधा ठा। तत्व ठीक है, तत्व देखिए इस टाइप से हलंत जरूर लगेगा ता में, ये जो यहाँ पर लगा है। जरा जरा सी बारीक गलतियाँ हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। त्याज्य नहीं होता, त्याज्य होता है। त्रकाल नहीं होता, त्रिकाल होता है, ठीक है। ये वाला ता बनेगा हमारा। तलासी नहीं होता, तलासी होता है, सा हमारा ये वाला बनेगा। तालाब तो बा हमारा बा बनता है, वा नहीं बनता, वा बनता है। तिलांजलि तो तिलांजलि होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तिलांजलि। दधीची नहीं होता, दधीची होता है, दधीची। द्वारिका भी बहुत बार पूछा गया तो द्वारका इसका राइट आंसर होता है, द्वारका। दीपिका नहीं होता, दीपिका होता है। द्वंद देखिए, द्वंद आप देख लीजिए कई बार पूछा जाता है तो जो दा होते हैं तो इनके दोनों ही भी हमारा ये चढ़ता है, आधा ना बनता, ठीक है, दोनों ही भी यहाँ पर चढ़ता है। द्रव्य विभूत तो द्रव्य भूत इसका राइट आंसर हो जाएगा। दरिद्रता इस टाइप से लिखा जाएगा, दांत के ऊपर ये वाला चंद्रबिंदु चढ़ती है। दीवारात्रि तो दीवारात्र होता है इसका। दुरात्मा गण नहीं होता, दुरात्मा दुरात्म गण होता है, ठीक है। अगला है देश निकाला तो देश निकाला इस टाइप से लिखेंगे हम, देश नहीं बीच में लगाएंगे, देश निकाला लिखेंगे। दयाल नहीं, दयालु होता है। दुरावस्था तो दुर्वस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता है, राह के ऊपर बड़ा डंडा नहीं चढ़ेगा, दुर्वस्था होगा। द्रष्टव्य इस टाइप से लिखा जाएगा, हमारा सा यादा वाला बनेगा इस टाइप का। दृश्य आप देख लीजिए, दृश्य में सा ये वाला बनता है यादा। अगला है दोष तो दोष में ये वाला बनेगा, ठीक है। दृग दृग में ये बनेगा। धनुष धनुष में ये सा बनता है हमारा, ये देखिए। धीमान धीमान होता है। नक्षत्र इस टाइप से नहीं, ये हमारा छाए वाला बनता है। अगला है निवृत्ति तो देखिए माइनर सी गलती इसमें, ता में जो है हलंत नहीं लगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये हलंत आपको लगाना है। निरपराधी बहुत बार पूछा जाता है, निरपराध हमने वाक्य संशोधन में भी देखा, निरपराधी बहुत बार दिया गया था तो निरपराध होता है निरपराधी का। नवाब नवाब में एक तो वा बनेगा, एक हमारा बा बनता है। निमिलित तो निमिलित होता है, निमिलित, ठीक है। माँ के ऊपर बड़ी की मात्रा चढ़ेगी। महत्व यहाँ पे भी माइनर गलती है, जो ता बना है उसमें हमारा हलंत नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, मुनिगण गण नहीं होता, मुनिगण होता है, ठीक है। मैथिली शरण बहुत बार पूछा जाता है तो मैथिली शरण आप देख लीजिए किस कैसे लिखा जाएगा, मैथिली शरण, ठीक है। ये वाला हमारा सा बनता है और था के बाद छोटी की मात्रा भी चढ़ती है। याग वल्क तो याग वलक के होता है, वलक के आधा ला बनेगा आधा क बनेगा। यथेष्ट नहीं होता, यथेष्टा होता है। यद्यपि हमारा ये राइट आंसर, योद्धा का योद्धा इस टाइप से बनता है, दा के ऊपर ये हम यहाँ पर चढ़ाते हैं। यस जो है सा बनता है। अगला है यावत जीवन तो याव जीवन होता है इसका राइट आंसर, याव जीवन। योगीवर तो योगीवर होता है। एसलाभ एसो लाभ होता है, ठीक है। सा के ऊपर बड़ी बड़वा का डंडा चढ़ेगा, एसो लाभ। राज्य महल तो राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है। अगला है रसायन तो रसायन होता है,
राजनैतिक, तो राजनीतिक होता है, राजनैतिक नहीं राजनीतिक होता है। राजागण, तो राजगण होता है, राजागण नहीं होता राजगण। ऋतु जो है इस टाइप से लिखा जाएगा। राजर्षि, तो राजर्षि इस टाइप से लिखा जाएगा। अगला है ऋण, तो ऋण जो है इस टाइप से। लक्ष्मण और लक्ष्मण, लक्ष्मण ये बनेगा, ठीक है, आधा छा बनता है ये। अवगुण नहीं होता, अवगुण होता है। आषाढ़, तो आषाढ़ में सा जो है हमारा ये वाला बनता है। नेक्स्ट है आमिस, तो आमिस में सा हमारा ये वाला बनेगा। अधीन, अधीन नहीं अधीन होता है, आ के ऊपर बड़ा का डंडा नहीं चढ़ेगा। अगला है आविष्कार, तो अस्वीकार होता है, सॉरी अस्वीकार यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर अस्वीकार होता है, ठीक है, आके पर कोई डंडा नहीं चढ़ता है। अट्टालिका देख लीजिए आप, तो अट्टालिका, अट्टालिका नहीं होता, आगे पर डंडा नहीं चढ़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अट्टालिका हो जाएगा। आधिक्यता, तो आधिक्य हो जाएगा, ठीक है। आद्र जो है इस टाइप से लिखा जाएगा, नीचे दापे ये चलेगा। उन्मिलत, तो उन्मिलत हो जाएगा ये। उऋण नहीं होगा, उऋण होता है, ऊपर जब लिखा जाएगा तो ऊ के ऊपर ये डंडा चढ़ाया जाएगा। अगला है उद्देश्य, तो उद्देश्य लिखेंगे नीचे, हलंत हम जरूर लगाएंगे यहाँ पर ये, और दा दो बार बनेगा हमारा। उपासना, उपासना में सा हमारा ये वाला बनता है। उऋण, तो उद्वरण जो लिखा है उद्वरण इस टाइप से लिखा जाएगा। उपलक्ष, उपलक्ष्य होता है, ठीक है। अगला है उद्गिन, तो उद्गिन इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। दा पे जो है नीचे ये चढ़ाएंगे। उर्मिला नहीं होता है, उर्मिला होता है। उद्योगीकरण, उद्योगी नहीं औद्योगीकरण होता है, औद्योगीकरण इसको बोलते हैं। उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। उत्पात में जो ता में हलंत हमने लगाया है नीचे, ये नहीं लगेगा यहाँ पर, ये हमारा आटा। उज्ज्वल बहुत बार पूछा जाता है, तो आधा जा दो बार बनते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान कर लेना, दोनों आधा जा दो बार बनेंगे। उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है। उच्छृंखल नहीं होता, उच्च श्रृंखल होता है। उल्लंघन नहीं होता, आधा ला दो बार बनेगा यहाँ पर, उल्लंघन इस टाइप से लिखा जाएगा। उन्नति नहीं होता, उन्नति होता है। ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य एक ऊपर हमारा ये चढ़ेगा। एकता नहीं होता, एक के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक दंत नहीं होता है, एक दंत हम यहाँ पर ये नहीं चढ़ाएंगे, एक दंत ऐसे लिखेंगे। ऐतिहासिक नहीं होता है, एति यहाँ पर ता पे जो छोटी की मात्रा यहाँ पे चढ़ेगी, ठीक है, बड़ी की नहीं चढ़ेगी, छोटी की चढ़ेगी। ऋषिकेश, तो ऋषिकेश टाइप से लिखेंगे हम। कलश, कलश में सा हमारा ये वाला बनेगा। कृषांगिनी, तो कृषांगी होता है, कृषांगिनी का। कुंवर का के ऊपर अंकन बिंदी जरे रखेंगे। नवाब में बताए चुके, एक बा हमारा ऐसा बनता है और दूसरा बा बनता है नवाब। निरपराध ये नहीं, निरपराध ये लिखा जाएगा। निरसता, तो नीरसता होता है यहाँ पे। निष्कपटी को निष्कपट लिखेंगे। अगला है नाराज, नाराज नहीं नाराज होता है। निश्चल, तो निश्चल इस टाइप से लिखा जाएगा। नीलकंठ, नीलकंठ नहीं नीलकंठ होता है। निवारण, निवारण होता है, निवारण नहीं निवारण होता है, ना के ऊपर छोटी की मत्ता चढ़ाएंगे। तो निर्वाण, तो निर्वाण में इस टाइप से हम लिखेंगे। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट में आधा सा बनेगा ये वाला। एक 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 बार सर आप निगाह सरसरी नज़र डालेंगे कैसे क्या लिखा जाता है शुद्ध, तो एग्ज़ाम में ज़रूर आप उसको पकड़ पाएंगे गलती को। नारायण इस टाइप से नहीं लिखा जाता है, नारायण ये सही है। पद्मिनी, तो पद्मिनी होता है, परिच्छेद होता है, ठीक है, परिच्छेद, परिच्छेद नहीं होता, परिच्छेद आधा चा बनता है यहाँ पर। पुष्प में आप जानते हैं सा ये वाला बनता है आधा। परिणाम नहीं होता, परिणाम होता है। पृष्ठ नहीं होता, पृष्ठ होता है। अगला है पारड़, पारड़ नहीं होता, पारप ये हमारा अणा ये वाला बनेगा। पिता भक्ति नहीं होता, पितृ भक्ति होता है। परीक्षा में परीक्षा हमारा ये सही होगा। पृष्ठ नहीं हो, पृष्ठ होता है।
प्रशंसा में सा जो हमारा सेकंड वाला ये वाला बनता है, परमेश्वर नहीं था परमेश्वर होता है। परीक्षण तो परीक्षण ही हमारा होता है, यहाँ पे परीक्षण परीक्षण लिखा है तो परीक्षण हो जाएगा उसका। अगला है पृथक, तो पृथक हमारा इस टाइप से का पे जो हलंत हम जरूर लगाएंगे। पत्नी नहीं होता पत्नी नहीं होता पत्नी होता है। पूजा नहीं होता पूजा होता है। पौरुष यहाँ पे राय वाला चढ़ाएंगे पौरुष में और सा भी वाला। परिषद नहीं परिषद में सा हमारा ये वाला रहेगा षटकोण वाला। प्रेम नहीं प्रेम होता है। पुल्लिंग तो हमारा आधा ला बनता है। अगला है परमौषधि, तो परमौषधि ऐसे लिखा जाएगा। प्राप्ति जो होता है प्राप्ति होता है ठीक है, ताके पर छोटी की मात्रा चढ़ेगी यहाँ पर। प्रमाणिक प्रमाणिक नहीं प्रमाणिक होता है, यहाँ पे हमारा बड़ा का डंडा चढ़ेगा। पिशाच नहीं तो पिशाच होता है। पतित का पतित होगा। पुष्पवली नहीं पुष्पावली इसको कहते हैं। प्रदर्शनी भी आप देख लीजिए कई बार पूछा जाता है, तो प्रदर्शनी इस टाइप से लिखा जाएगा। प्रतिज्ञा नहीं होता प्रतिज्ञा होता है। प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष हम छा जो है वाला बनाएंगे। प्रसन्न होता है तो आधा ना एक ना आधा बनता है एक हमारा वैधा सा हमारा ये वाला बनता है। पोशाक का पोषक हो जाएगा यहाँ पे पोषक। अगला है शशि, शशि में दोनों सा हमारे ये वाले बनते हैं। शत्रुघ्न में आप देख लीजिए घा हमारा आधा बनेगा ना बनेगा लास्ट में। सिरोपीड़ा तो सिर पीड़ा इसको कहते हैं। यहाँ पे हमारा दो बिंदु रखेंगे यानी विसर्ग संदेश में है। अगला है शताब्दी, शताब्दी जो है इस टाइप से लिखेंगे। शांतमय को शांतिमय इस टाइप से। शुद्धिकरण देख लीजिए तो शुद्धिकरण दाके पर बड़ी की मात्रा चढ़ेगी। यहाँ पे शारीरिक जो होता है शारीरिक इस टाइप से लिखेंगे। अब है शुद्ध शुद्ध श्रृंगार जो है श्रृंगार इस टाइप से लिखेंगे। श्रृंगार में यहाँ पे चढ़ाएंगे ये वाला नहीं यहाँ पे चढ़ाएंगे ठीक है, तो सिर्फ ये रहेगा। श्राप का साप इस टाइप से लिखेंगे। स्रोत का ये लिखेंगे। श्रुत का श्रीयुत लिखेंगे। सिंह का सिंह। संग्रहित तो संग्रहित इस टाइप से लिखेंगे। सिंदूर का सिंदूर होता है। साधुवाद का साधुवाद होता है ठीक है, धा के ऊपर छोटी ऊ की मात्रा चढ़ेगी साधुवाद। सदृश्य का सादृश हो जाएगा। शासन का शासन हमारा ये वाला बनेगा। समन्वय का यहाँ पे माँ पे हलंत नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर। सूचीपत्र का सूचीपत्र होता है। सुश्रुषा कई बार पूछा गया तो ये वाला देख लीजिए आप, दोनों के ऊपर छोटू एक पे छोटी की छोटे ऊ की बड़े और एक पे बड़े ऊ की चढ़ती है, लेकिन सा जो है इसमें ये वाला बनेगा। सुषमा इस टाइप से राइट आंसर सा माला ये वाला बनेगा। सती गुण सत्तो गुण होता है। कृपया इस टाइप से सही है। कन्हैया होता है हा के ऊपर डबल मात्रा चढ़ेगी। कर्तव्य पालन में कर्तव्य अलग और डैश लगाएंगे पालन लिखेंगे। कालिदास भी कई बार पूछा गया तो कालिदास नहीं होता कालिदास होता है, ला के ऊपर छोटी की मात्रा चढ़ती है। कैलाश में देख लीजिए सा हमारा ये वाला बनता है ठीक है। कार्यक्रम तो कार्यक्रम ये है हमारा क्यारी नहीं होता क्यारी होता है आधा का बनता है। कौतूहल नहीं होता कुतूहल होता है। कौशल्या बहुत बार पूछा गया कौशल्या नहीं होता कौशल्या होता है कई बार देखना। अहल्या कौशल्या बहुत बार पूछा जाता है। करोड़ दिख ली इस टाइप से लिखा जाएगा। कृपा हमारा का ऐसे बनेगा कृपा। कुंज में कागे पर अंक बिंदी कीर्ति ये हमारा राइट आंसर। अगला है क्रय तो क्रय जानते हैं इस टाइप से लिखा जाता है। कवित्री भी बहुत बार पूछा जाता है कब ऐसे लिखा जाएगा छोटी की मात्रा यहाँ पे चढ़ेगी और त्रा पे बड़ी की मात्रा चढ़ेगी बहुत बार पूछा जाता है। कुशासन तो कुशासन सा हमारा लास्ट में ये वाला बनेगा। कनिष्ठ नहीं होता कनिष्ठ होता है। कृत कृत्य नहीं होता कृत कृत्य होता है ठीक है कृत कृत्य होता है। केंद्रीयकरण नहीं होता केंद्रीकरण होता है या नहीं बनता है। गृहस्थ नहीं होता गृहस्थ होता है। गर्मियों नहीं होता गर्मियों स्टैच लिखा जाएगा। गांव में अंकी बिंदी चढ़ाएंगे। अगला है गृहस्थ गृहस्थ स्टैच लिखेंगे। गृहस्थी नहीं होता गृहस्थी होता है। गरिष्ठ नहीं होता गरिष्ठ होता है। घनिष्ठ नहीं होता घनिष्ठ होता है। गर्दभ में
यहाँ पे हम दा के ऊपर चढ़ाएंगे। गायकी नहीं होता, गायकी होता है। या के ऊपर छोटी की मात्रा नहीं चढ़ाते हैं। गृहिणी इस टाइप से लिखा जाएगा, गृहिणी होता है। हा के ऊपर छोटी की मात्रा चढ़ेगी। गायों लिखा जाएगा इस तरीके से। गरुड़ में जब लिखेंगे तो रू के ऊपर ये चढ़ाएंगे हम इस टाइप से, ठीक है। अड़ा ये वाला बनेगा हमारा। गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है। गोपनीय नहीं होता, गोपनीय होता है। ना के ऊपर बड़ी की मात्रा चढ़ेगी। चार दीवारी नहीं होता, चाहार दीवारी होता है, चाहार दीवारी। चरमोत्कर्ष इस टाइप से लिखेंगे, चरमो और प्लस उत्कर्ष लिखेंगे तो हमारा चरमोत्कर्ष होता है। तो ता आधा बनेगा इसमें। चिन्ह जो है इस टाइप से लिखेंगे। च्युत जो है आधा चा बनेगा, फिर या पिता। प्रज्वलित आप देख लीजिए, प्रज्वलित कई बार पूछा गया, कुछ धुंधला दिख रहा होगा आपको, तो प्रज्वलित यहाँ पर राइट आंसर ही हो जाएगा। आधा चा एक ही बार बनेगा। प्रणाम जो होता है प्रणाम लिखा जाता है। प्रसाद को प्रसाद लिखेंगे हम, सा हमारा ये वाला बनेगा। प्रदर्शनी तो देख ही चुके हैं, प्रदर्शनी से लिखा जाएगा। प्रतिच्छाया नहीं होता, प्रतिच्छाया होता है। प्रशंसा इस टाइप से लिखेंगे। प्रतिकूल इस टाइप से। प्रत्युत नहीं होता, प्रयुक्त होता है। फाल्गुण तो फाल्गुण लिखेंगे, फाल्गुण नहीं होता है। ब्रह्म जो है ब्रह्मा इस टाइप से। वृक्ष बा में ये वाला बा नहीं बनेगा, ठीक है। वृक्ष में ये वाला बा बनता है, इस टाइप से वृक्ष लिखेंगे। ब्रह्मा तो ब्रह्मा इस टाइप से, ठीक है। आधा मा नहीं बनता है। विराट में यहाँ पे हलंत बिंदी जरूर लगाएंगे नीचे, कुछ धुंधले दिख रहे हैं, अब यहाँ पे साफ दिख रहे हैं, ठीक है। भागवत में देखिए, अब ता में हलंत बिंदी नहीं लगेगी यहाँ पर। भस्मीभूत में भस्मीभूत लिखेंगे। भवसागर में भवसागर में डैश नहीं लगाएंगे, एक साल लिखेंगे। भंडार में हम यहाँ पे आधा डा बनाएंगे यहाँ पर। भ्रातागण तो यहाँ पे हो जाता है भ्रातगण। मनोज्ञ नहीं, मनोज्ञ लिखते हैं, ठीक है। ज्ञा हम यह वाला बनाते हैं। ये मेहनत होता है, मेहनत नहीं होता, मेहनत हा पहले बनता है। मंत्रिमंडल तो मंत्रिमंडल होता है, छोटी की मात्रा चढ़ती है। मट्टी नहीं होता है, मिट्टी होता है। महायज्ञ तो महायज्ञ इस टाइप से लिखेंगे हम। मुमूर्षु कई बार पूछा जाता है, तो तीनों पे एक माँ पे छोटी की मात्रा, बड़े माँ दूसरे माँ पे बड़े की मात्रा, फिर सा पे छोटी की मात्रा, ठीक है। मुमूर्षु ऐसे लिखा जाएगा। मर्धन है, मूर्धन्य होता है। मंतनर नहीं होता है, मतांतर होता है। ये मरण नहीं लिखे, मरण लिखेंगे यहाँ पर। मुहूर्त जो है हाँ पे बड़ा वो की मात्रा चढ़ेगी। महत्वाकांक्षा नहीं होता, महत्वाकांक्षा होती, ठीक है। तामे जो हलंत यहाँ पे लगाना है आपको, और वापे बड़ा का डंडा चढ़ाना। महात्म नहीं होता, महात्म होता है। देखिए महात्म कई इस टाइप से राइट आंसर हो जाएगा। माँ के ऊपर भी बड़ा का डंडा चढ़ेगा और आधा ता बनेगा, आधा माँ भी बनेगा। मृत्युंजय इस टाइप से लिखेंगे हम। मृत्युंजय आधा ता बनेगा। मानी तो माननी होता है। अगला है साम्राज्य। साम्राज्य होता है। समिति नहीं होता, समिति होता है। सुसुप्ति कई बार पूछा गया, तो सा जो हमारा ये वाला बनेगा। सब तो नहीं होता है, सब तो में देखिए आधा ता यहाँ पर जो है, ता में हलंत यहाँ पे नहीं लगा, वो लगाएंगे। सज्जन सर्जन जो होता है, सर्जन जा के ऊपर रा उड़ाते हैं। हिंदू नहीं होता, हिंदू होता है। दा के ऊपर बड़ी ऊ की मात्रा चढ़ाएंगे। हिंग नहीं होता, हींग होता है। हिरण्यकश्यप बहुत बार पूछा गया, या बिल्कुल रट लीजिए तो हिरण्या, ठीक है। हिरण्या, ठीक है। या के पे बड़ा कटना चलेगा, आप दो भागों करके उसको देख सकते हैं। हिरण्या प्लस कश्यपु, हिरण्या प्लस कश्यपु, तो दोनों चीज़ें आप देखिए। या के पे बड़ा कटना चलना प्लस कश्यपु। हतिबुद्ध नहीं, हतबुद्ध होता है। हस्तक्षेप तो हस्तक्षेप इस टाइप से लिखेंगे हम। अगला है छत्र, तो छत्र में ये वाला छा बनता है। छात्र में देखिए, छात्र में भी ये वाला बनता है। त्रिगुण नहीं, त्रिगुण ये वाला बनेगा था। हासिल नहीं होता, हासिल होता है। हितैषी नहीं, हितैषी सा में हमारा ये वाला बनेगा सा। अगला हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान होता है। हितेच्छुक नहीं होता, हितेच्छु होता है। अगला ललायित, तो ललायित नहीं, लालायित होता है।
दोनों ला पे बड़ा का डंडा चढ़ेगा। अब जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम देखते हैं यहाँ से। यूपी आर ओ आर ओ प्री 2014 में पूछा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, क्लेश की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो यहाँ पर काखा गागा दिए गए, तो यहाँ पर क्लेश जो है हमारा जो गा में दिएगा वो हमारे राइट आंसर हो जाएगा, इस टाइप से लिखा जाएगा। अगला श्रृंगार की पूछेगी सेकंड वाले में, तो श्रृंगार की मैंने बताया था, श्रृंगार हमारा ये सही होगा, इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये चढ़ाएंगे ठीक है, और गार यहाँ पे अंक की बिंदी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है उज्जवल, तो उज्जवल में हमने बताया था आधा जा दो बार बनते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, हिरण कश्यप मैंने बताया, तो हेड़ियाँ बताया था, उसके बाद कश्यप भी बताया था, तो हेड़ियाँ हिरण कश्यप ठीक है, तो हिरण कश्यप भी बताया था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आप पे बड़ा का डंडा नहीं चढ़ेगा ठीक है, हमने वहाँ पर गलती थी, आप पे बड़ा का डंडा चढ़ा रखा था, तो बड़ा का डंडा नहीं चढ़ेगा, हेड़ प्लस कश्यप हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी बताना है, तो कवित्री देखिए मैंने बताया था का वाह ऐसे रहेगा, या के ऊपर छोटी की मात्रा और ता के ऊपर बड़ी की मात्रा, तरह के होते हमारे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बताना है प्रज्वलित की, इसमें शुद्ध सब अलग अलग वर्ड लिखे गए, तो उसमें शुद्ध वर्तनी बतानी, तो इसमें शुद्ध वर्तनी चौथे वाले के सही समुज्जवल यहाँ पे सही लिखा है। अगला है शुद्ध वर्तनी इसमें बतानी है, तो निश्चेष्ट जो लिखा है सेकंड में यहाँ पर राइट आंसर है। धोबिन जो है किस टाइप से लिखा जाएगा, तो धोबिन पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, धोबिन बाज हमारा ये वाला बनता है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है भागीरथी, तो भागीरथी होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया भागीरथी। शुद्ध वर्तनी बताना विरहाणी, विरहाणी कई बार पूछा गया, तो वीर हिणी होता है, वीर हिणी आपको देख लेना है, बिल्कुल रट लेना है। वाडमय जो होता है, वाडमय कैसे लिखा जाएगा, तो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है डाके पर हलंत का यहाँ पे भी चढ़ाना है वाडमय। अगला है शुद्ध वर्तनी आपको बतानी, इसमें से अंतर्धान जो यहाँ पे लिखा है, अंतर धन धान जो हमने बताया था, ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर कौशल्या मेघनाथ मैथिली चरणगुप्त राहुल शंकरायतन, तो इसमें जो हमारा राहुल शंकरायतन जो दिया गया है चौथा ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर दिया गया है। इनमें से एक शब्द की शुद्ध अशुद्ध वर्तनी है कौन सा गलत दिया गया वो हमको बताना है, तो जागृत यहाँ पे गलत दिया गया, बाकी अधीन भागीरथी अनुग्रहित हमारे सही लिखे हैं। शुद्ध वर्तनी बतानी है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ज्योत्सना हम कैसे बताया था मैंने, आधा ता और आधा ना दो बार बनते हैं, तो इसमें से जो सी हमारा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिरण्य कश्यप की फिर आ गई, तो हिरण्य प्लस कश्यप होता है ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर पहला हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना जिसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी, तो सन्यासी की यहाँ पे अशुद्ध लिखी है, वाल्मीकि महत्व पैतृक सही लिखी है। शुद्ध वर्तनी बताना है आपको यहाँ पर अशुद्ध वाला बताना है, तो यहाँ पे भुक्खड़ जो लिखा है हमारा अशुद्ध लिखा है, बाकी लंगड़ कोंकड़ भुजक्कड़ सही लिखा है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है यानी कि गलत वाला बताना है, तो अंत चेतना हमारा गलत लिखा है, बाकी सबसे लिखे हैं। कवित्री की सही बताना है, तो कव धनी कवित्री होता है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सुश्रुषा मैंने बताया था बहुत बार पूछा जाता है, तो सुश्रुषा ये हमारा राइट आंसर पहला। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो इसमें ईर्ष्या जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है इसमें से, अशुद्ध वर्तनी इसमें उज्जवल की होगी, हमने बताया था आधा जा दो बार बनते हैं। अगला है दुर्निर्वार शुद्ध शब्द बताना है इसमें से, तो जो चौथा ऑप्शन दिया गया दुर्निर्वार ये हमारा राइट आंसर है। यूपी आर ओ आर ओ मेन्स 2014 में पूछे क्वेश्चन है ये, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो उसमें उज्जवल जो है ये हमारा राइट आंसर है, कवित्री बिल्कुल ये तीनों गलत हैं। किसकी वर्तनी शुद्ध है इसमें दिखाया गया ठीक है, तो संन्यास जो है हमारा शुद्ध लिखा है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है यहाँ पे, तो जिसकी वर्तनी अशुद्ध है यानी गलत है वो बताना है, तो उपरोक्त यहाँ पर लिखा है गलत है, उपर्युक्त होता है। आर ओ आर ओ मेन्स 2013 पूछे क्वेश्चन,
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन लिखा गया अनुग्रहित, इस टाइप से लिखा जाएगा। आप देख लीजिए गा के ऊपर जो है ये चढ़ेगा हमारा, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। नरक कैसे लिखा जाएगा? तो नक, ये हमारा बी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द बताना है तो टिप्पणी जो हमारा बी में सॉरी डी में जो लिखा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टिप्पणी। अगला है शुद्ध शब्द बताना है आपको तो अनुसंगिक जो हमारा लिखा है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है आपको तो परीक्षा जो लिखा है परीक्षा ही हमारा सही हो जाएगा। UPRO मैथ 2010 में पूछे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें दिया गया अंत्याक्षरी। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी है शुद्ध? शुद्ध है तो शुद्ध वाला द्वारका है यहाँ पर। लेकिन ये जो होता है अहल्या लिखा जाता है, ठीक है। अहल्या ये हमारा अंतर्धान होता है, अंत और धान के ऊपर चढ़ाते हैं बस। ये द्वारका हमारा सही लिखा है। सन्यासी यहाँ पर राइट आंसर लिखा है, सागे पर अंकी बिंदी चढ़ाते हैं। UPRI 2014 में पूछे क्वेश्चन, कवित्री पूछी गई तो कवित्री जो है राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर। विदुषी कई बार पूछा गया, विदुषी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे वाह बनेगा और दा के ऊपर छोटी की मात्रा और साय वाला बनता है। UPNT 2006 में सुश्रुषा जो पूछा गया तो अशुद्ध वर्तनी पूछी गई तो शुद्ध माला ये बी ऑप्शन है सही। UPSDI 2006 में पूछे क्वेश्चन, यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला सब पूछा गया तो अशुद्ध हमारा खास श्रृंगार लिखा है। श्रृंगार मैंने बताया था यहाँ पे ये वाला चढ़ेगा सिर्फ, ठीक है। गारे यहाँ पे जो है दोनों लगे हुए हैं। उपरोक्त विकल्पों में से शुद्ध शब्द वाले शब्द का चयन करना है आपको तो यहाँ पे उपयुक्त जो लिखा है वो सही डी ऑप्शन हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताना तो इसमें रचयिता लिखा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। UPPCS प्री 2015 में पूछे क्वेश्चन, शुद्ध शब्द बताना है आपको कुमुदिनी जो है कैसे लिखा जाएगा तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी आप देख लीजिए, रट लीजिए बिल्कुल, ठीक है। का के ऊपर छोटू की मात्रा, माँ के ऊपर भी छोटी छोटा ऊ की मात्रा चढ़ेगी और दिनी हो जाएगा। अगला है शुद्ध शब्द बताना है। UPPCS प्री 2014 में पूछा क्वेश्चन, मिष्ठान हमारा राइट आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग तो कवित्री होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको तो यहाँ पे अंत्याक्षरी यहाँ पर राइट आंसर पहला लिखा, आधा ना और आधा ता बनते हैं। UPPCS प्री 2010 में पूछे क्वेश्चन, अनाधिकार होता है, ठीक है, अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो अधीन जो होता है ऑप्शन बी यहाँ पर शुद्ध लिखा है, अधीन होता है। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सॉरी सी जो ऑप्शन सही दिया सी सही हो जाएगा, आधा ना भी बनता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको, यहाँ पे कवित्री पूछी गई तो कवित्री ऑप्शन बी में सही लिखा है। चरमोत्कर्ष मैंने अभी बताया था, चरमोत्कर्ष जो है सी ऑप्शन इसमें सही दिया गया। UPPCS प्री 2007 में पूछे क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना, श्रीमती कैसे लिखा जाएगा तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो कालिदास की मैंने बताया तो कालिदास होता, ठीक है, खा के लागे पर छोटी की मात्रा चढ़ती है, कालिदास से हमारा सही आंसर। वार्डमय जो है अभी मैंने बताया था ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। प्रज्वलित में मैंने बताया था पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्रज्वलित। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो रचयिता ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। इनमें से कौन सी शुद्ध है? पौरुष कैसे लिखा जाएगा? तो पौरुष जो है पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको सात का, तो पहला जो ऑप्शन है सृष्टा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से जागृत जो है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है अगले में अधीन होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अवोण है तो अक्षुण होता है, राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। UPPCS प्री 2006 में पूछे क्वेश्चन, सर्वोत्तम का आपको चयन करना है, बहुत सबसे अधिक शुद्ध हो तो गरिष्ठ होता है। शुद्ध वर्तनी बतानी तो अंजलि होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बतानी मैथिली शरण है तो मैथिली शरण होता है, ठीक है।
मैथिली शरण होता है, मैथली नहीं होता है, मैथिली शरण होता है। शुद्ध वर्तनी बतानी तो अनधिकार होता है, अनधिकृत होता है, ठीक है, अनधिकृत। जैसे कि अनधिकार होता है वैसे अनधिकृत होता है। शुद्ध वर्तनी बतानी कौशल्या की हमने बताया था, कापे दो मात्रा चढ़ती कौशल्या। ईपीपीसी स्प्री 2004 में 2005 में पूछे क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है तो कवित्री की शुद्ध वर्तनी इसमें दी गई ऑप्शन का में। शुद्ध वर्तनी बताना अनुग्रहित, अनुग्रहित मैंने बताया था, राइट आंसर ऑप्शन बी अनुग्रहित, गा के ऊपर ये वाला चढ़ेगा। शुद्ध वर्तनी का चयन बताना है आशीर्वाद होता है, ऑप्शन यहाँ पर डी से हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बताना है प्रेमचंद्र, तो प्रेमचंद्र इस टाइप से लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी कौन सी उत्तीर्ण कैसे लिखा जाएगा, उत्तीर्ण पहला ऑप्शन है हमारा सही जाएगा, तामे हलंत लगेगा। ईपीपीसीएस मेन 2013 पूछे क्वेश्चन नहीं है, अंत्याक्षरी का अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाएगा, कवित्री पूछा गया तो कवित्री ऐसे लिखा जाएगा, पूजनी पूछा गया तो पूजनी ऐसे लिखा जाएगा, तदुपरांत का तदुपरांत होता है। ईपीपीसीएस मेन 2010 में पूछे क्वेश्चन है अनधिकार पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा। अधीन पूछा गया तो अधीन अधीन होता है, चर्मोत्कर्ष भी पूछा गया, चर्मोत्कर्ष ये हो जाएगा। ईपीपीसीएस मेन 2007 में पूछे क्वेश्चन श्रीमती पूछेगा तो श्रीमती ऐसे लिखा जाएगा, कालिदास की पूछेगी तो कालिदास होता है, अक्षुण नहीं होता, अक्षुण होता है। पौरुष का पूछा गया तो पौरुष का ये हमारा हो जाएगा। पीसीएस मेंस 2006 में पूछे क्वेश्चन गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है। अंजलि तो अंजलि अंजलि होता है, लाके वो छोटी की मात्रा चढ़ती है। मैथिली शरण तो मैथिली होता है, मैथिली था के वो छोटी की मात्रा चढ़ती है। अनधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है। UPAPO मेंस 2015 में पूछे क्वेश्चन नहीं है, जागृत पूछा गया था तो इसका जागृत होता है, जागृत, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। निरपराधी नहीं, निरपराध होता है। अतिशयोक्ति नहीं होता है, अतिशयोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है, ठीक है, सा जो यहाँ पर हमारा पूरा बनेगा, अतिशयोक्ति होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो इस सेट में आपको वाक्य वर्तनी शुद्ध शुद्ध से सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल गए हैं। तो हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो विलोम शब्द का, एक वाक्य शुद्ध शुद्ध और वर्तनी शुद्ध शुद्ध का। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको तीसरा चैप्टर मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो, और वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो स्टूडेंट पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमिंग ऑनलाइन।